एक और सुबह माइनक्राफ्ट में, और खिड़की के पास जाने में क्या ही लुक आता है। बाहर का एक बार लुक तो देखो, ओ माय गॉड क्या लगता है। तो आखिरकार इस सिटी में 50,000 साल बिताने के बाद हम लोगों ने एक बिजनेस आखिरकार शुरू कर ही लिया। तो आज मैं आप लोगों को वही बिजनेस दिखाने ले जा रहा हूँ। वैसे बिजनेस में कुछ खास तो नहीं है, बस खेती करनी, मतलब हम लोगों ने एक फार्म हाउस यार खरीदा है जाके वहाँ पे। तो वहाँ चलने से पहले अपने आसपास का थोड़ा मुआयना कर लेते हैं, कोई दिखेगा तो मुझे एक चीज़ खरीदनी है मैं खरीद सकता हूँ, सभी ट्रेडर ही तो घूमते रहते हैं। और अपनी गाड़ी देखो एक बार क्या चमक रही है। तो वहाँ चलने से पहले हम लोग सबसे पहले सीट लेना पड़ेगा भाई, अब खेत पे जा रहे हैं तो सीट लेके जाना ही पड़ेगा ना। एक स्ट्राइक सीट खरीद के लाया था, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, बहुत ही महंगी सीट है यार। तो ऐसे ही धीरे धीरे तरक्की करते करते हम लोग एक दिन धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे, मतलब अंबानी से भी ऊपर, समझ नहीं सकते हो, ये अमीर लोगों की बातें होती हैं। सो अभी हम लोग अपने फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं, और एक बार देखो तो जरा क्या ही बड़ा सा फार्म हाउस है यार, मतलब इतने कम पैसों में इतना बड़ा फार्म हाउस मिल गया। हालांकि फार्म हाउस में दरवाजे ही नहीं है, लेकिन चलो चल जाएगा मेरा काम। और ख़ास बात इस फार्म हाउस में भाई ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना है पर ट्रैक्टर तो है ना, मज़ा तो आएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा फार्म हाउस, और इधर जाने पे यहाँ पे स्टोरेज है, जो धान वगैरह कटेगा, गेहूँ वगैरह जो भी फसल होगी वो यहाँ पर ही रखी जाएगी। और इधर थोड़ी सी वीट लगी हुई है, और अंदर इसके अंदर जो दरवाजे लगे हुए हैं इसके अंदर अपना एक छोटा सा ऑफिस है। भले ही हम लोगों ने पैसे कम दिए, लेकिन भाई देख रहे हो चेयर वगैरह क्या क्या लगा रखा है, मतलब क्या क्या केवल चेयर और टेबल लगा रखी है। अब फार्म हाउस का ऑफिस है तो इतना ज़्यादा आलीशान तो होगा नहीं। और अभी मैं आप लोगों को एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ जो मेरी सबसे फेवरेट है इस फार्म हाउस में। तो ये तो ट्रैक्टर के पार्ट्स हो गए, अभी चलते हैं ट्रैक्टर के पास। तो ये रहा अपना ट्रैक्टर, और देखने में इतना पुराना तो लग नहीं रहा है, बस वो चलने में पुराना है, मतलब चलेगा तो पता चलेगा कितना पुराना है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है। और अभी इसमें पेट्रोल भरना पड़ेगा तभी चलेगा, और दोनों तरफ शीशे भी लग रखे हैं। वैसे ट्रैक्टर में मैंने कभी शीशा वगैरह नहीं देखा यार, इसमें ट्रैक्टर में शीशे लगे हुए हैं माइनक्राफ्ट वाले में, कुछ भी हो सकता है, वो तो माइनक्राफ्ट है। इस डब्बे में ट्रैक्टर का फ्यूल भी रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूल भर के लाया था, लेकिन इस ट्रैक्टर में केवल एक डंडी फ्यूल होगा, अभी देखना भर दिया फ्यूल, देखते हैं अभी कितने डंडी हुआ है। अरे यार पहले इसको रख के आते हैं, वरना पता चले गायब हो गया ना, फिर पेट्रोल लाने में दिक्कत होगी। अभी बैठते हैं ट्रैक्टर में, और देखो एक ही डंडी फ्यूल हुआ है इसमें, ओ माय गॉड कितना फ्यूल लेगा ये। अभी आवाज़ सुनना, देख रहे हो कितनी तेज आवाज़ कर रहा है ये, और हॉर्न बजता है इसमें। तो अभी इसको ले चलते हैं और चल के इसको काम में लगाते हैं। सबसे पहले हमको इसमें मोवर लगाना होगा, ताकि जो ग्रास वगैरह है वो सारी की सारी साफ हो जाए, जो फूल है। पूरी की पूरी जमीन प्लेन कर डाली, देख रहे हो कितना मस्त ट्रैक्टर का काम है भाई, सारी की सारी ग्रास फूल सब गायब हो गया यहाँ से। अभी ट्रैक्टर से मोवर हटा के हमको प्लोवर लगाना होगा, प्लो मतलब क्या नाम उसका मुझे पता नहीं है, देखो लग गया। अभी इससे हमारी खेती शुरू हो जाएगी, अभी देखना जैसे इसको आगे चलाएंगे, पीछे देखो भाई सब कल्टीवेट होता चला जा रहा है, क्या ही ओपी ट्रैक्टर ले लिया है हमने। अभी हमको जो सीड है हाथ से बोना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रैक्टर में सीडर वाला सिस्टम ही नहीं है कि हम लोग सीड बो पाएँ उससे। चलो भाई मेहनत करो, अभी और क्या कर सकते हैं हम, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाओ, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाओ, एक एक सीड लगाने में देख रहे हो कितनी बड़ी, अबे इतना बड़ा खेत है एक एक सीड कैसे लगाएंगे हम लोग। फाइनली भाई काम हो गया, ये ट्रैक्टर ने सारे काम किए, लेकिन एक सीड लगाने में पता नहीं इसके क्या नानी निकल गई। चलो फिर अभी अंदर चलते हैं, इस ट्रैक्टर को भी खड़ा कर देंगे वहीं पे, और ख़त्म आज बस बस।